आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। लाक्षाग्रह से बच निकलने के बाद पांडव जंगलों में भटकने के लिए मजबूर थे। एक रात जब भीम पहरा दे रहा था तो अचानक उसने हिडिंबा को सामने पाया। वो आई तो भीम का शिकार करने थी, लेकिन उसको देखते ही प्रेम में पड़ गई। प्रेम, समझते हैं ना, प्रेम। मैंने हिडिंबा के कठोर मन को प्रेम में मोम की तरह पिघलते देखा है। मैं वो आंख हूं जो मन के अंदर भी झांक सकती है, बाहर भी। मैं आकाश हूं। भीम के जीवन में पहली बार कोई स्त्री आई, लेकिन उसके लिए अपनों की सुरक्षा सबसे पहले थी। इसीलिए वो हिडिंबा को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। अरे तू पागल हो गई है हिडिंबा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय मेरा परिवार संकट में है, मैं तुम्हारा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। यहां मेरे भाई हैं, मां है, मैं उनकी रक्षा करूं या तुम्हारे साथ विवाह करूं? और फिर मैं तो ये भी नहीं जानता कि तू है कौन, कहां से आई है और मेरे साथ क्यों विवाह करना चाहती है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है कुमार, मैं राक्षसी हूँ। मेरे भाई हिडिंबा ने मुझे तुम्हारा शिकार करने के लिए भेजा था, पर तुम्हारा ये रूप देखकर मेरा हृदय मेरे वश में ही नहीं रहा। अच्छा, तो तू राक्षसी है, तो चल फिर मेरा शिकार ही कर ले। यदि ऐसा करने में सफल हो गई तो अच्छा है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम तो नहीं कर सकता। नहीं, मुझे तुमसे प्रेम ही चाहिए, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। हे ईश्वर, कहीं तू सपना तो नहीं देख रही ना? कैसे बताऊं तुझे कि मैं, देख, अगर तेरे भाई को पता चल गया कि तुम मुझे मारने की जगह मेरे प्रेम में पड़ गई है, तो तेरा राक्षस भाई तुझे मार डालेगा। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं अपने भाई से भी लड़ जाऊंगी। देखो, वो इधर ही आ रहा है। सुनो, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। जाओ, भागो। देखो, मैं तुम्हारा प्रेम नहीं पा सकती तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ऐसे मरते नहीं देख सकती। हिडिंबा, क्या कर रही है तू? हिडिंबा, इसे आहार बनाने के बदले तू प्रेम कर रही है। तुझे तो मैं, आज तू नहीं बचेगी मेरे हाथों। नहीं भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भाई। दुष्ट राक्षस स्त्री पर हाथ उठाता है, लज्जा नहीं आती तुझे? लज्जा तो तुझे आनी चाहिए, मेरी बहन को प्रेम के जाल में फंसा रहा है। ये तो मरेगी और तू भी मरेगा। वाह, तो इतना ही महाबली है, तो आजा, दो दो हाथ कर ले मुझसे, मेरा भी अभ्यास हो जाएगा। मुझसे युद्ध करेगा? महाराक्षस हिडिंबा से युद्ध करेगा? इस वन के राजा से युद्ध करेगा तू? नहीं भाई हिडिंबा, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। गलती तो मुझसे हुई है, इस बेचारे का क्या अपराध है? नीच, हट जा मेरे सामने से। नहीं भाई, नहीं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे। ये ले। युधिष्ठिर, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? कैसी आवाज है ये? और भीम कहाँ है? भीम कहाँ? अरे वो भीम ही तो है। ईश्वर, ये तो युद्ध कर रहा है। अरे पकड़ो उसको, कोई रोको। भीम पुत्र, पुत्र रुक जाओ। तुम वहीं रहना माँ, मैं इसे मार कर आता हूँ। अरे पर क्यों मारने पर तुला है इसे भीम? इसने स्त्री पर हाथ उठाया माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब छोड़ दो। पुत्र बस कर। तुम रुको भीम, इस राक्षस का वध मुझे करने दो। नहीं अर्जुन, आगे मत बढ़ना, इसने अपराध मेरे सामने किया, इसे दंड भी मैं ही दूंगा। तुझे तो छोड़ दो भीम, अब छोड़ भी तो दो इसे। लो, छोड़ दिया। भैया, उठो भैया, मेरे प्राण, उठो मेरे।
मुझे छोड़कर मत जाओ भाई। अब किसके सहारे जीऊंगी? ये तुमने क्या किया भाई? मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्षमा कर दो भाई। भीम, भीम ये क्या किया तुमने? क्रोध मत करो माँ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था, वो तो भैया ने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर इतनी शक्ति दिखाने की क्या आवश्यकता थी? आपने तो इसे उठाकर चट्टान पर पटक दिया, जीवित कैसे बचता बेचारा? मैं तो बस इसे दंड देना चाहता था, मुझे क्या पता कि ये मर ही जाएगा। पुत्री, पुत्री रो मत, मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ माँ, कहाँ जाऊँ मैं? पुत्री, हम भला क्या सहारा दे तुम्हें, हम तो खुद ही बेसहारा भटक रहे हैं। तुम ही बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने आपके पुत्र भीम को अपना पति मान लिया है माता, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझ पर दया कीजिए माता। चुप क्यों हो गई माँ? यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी समय अपने प्राण दे दूंगी। नहीं नहीं, मेरे पैर मत पड़ो पुत्री, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप सोच ले, मैं आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सेवक, वासुदेव को ससम्मान यथोचित आसन दिया गया है ना? जी महात्मा विदुर, वो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे सम्मान और सेवा नहीं चाहिए तात विदुर, मैं यहाँ बस सूचना देने आया था। आपको तो सूचना मिल ही गई होगी वासुदेव, मुझे विश्वास है कि सूचना का सत्य भी आपको ज्ञात हो गया होगा। असंख्य असत्यों के बीच छुपे सत्य को ढूंढना बहुत मुश्किल है तात। मैं राजमहल में आने से पूर्व हस्तिनापुर के प्रजा से मिला, अनगिनत सूचनाएं मिली, बहुत कुछ जाना, पर अभी भी बहुत कुछ जानना शेष रह गया। आप क्या जानना चाहते हैं वासुदेव? प्रमाण, मुझे पांडवों और बुआ कुंती की मृत्यु का प्रमाण चाहिए। क्यों, जो प्रमाण मिले हैं उन पर आपको अविश्वास है? नहीं, छह शरीरों के अधजले अस्थियों से ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि पांडव अब इस लोक में नहीं है। अस्थियों की संख्या प्रमाण नहीं होती तात। वो भवन लाख से बना था वासुदेव, सारे प्रमाण उसके साथ ही भस्म हो गए। हस्तिनापुर के वातावरण में विष घुला था, पांडव सुरक्षित नहीं थे, न्याय और अन्याय का अघोषित युद्ध पहले से ही आरंभ हो चुका था। ऐसे युद्ध में क्या पांडव इतने असावधान हो सकते थे कि वो मृत्यु का वरण करने लाक्षक ग्रह चले जाएं? सत्य कह रहे हैं माधव, वेद व्यास ने भी कहा है कि यदि हस्तिनापुर की सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए तो वे पांडवों को शून्य से भी प्रकट कर सकते हैं। अर्थात पांडव और मेरी बुआ किसी शून्य में सुरक्षित है? संभव है माधव, परंतु अभी प्रश्न उनकी सुरक्षा का है। यदि महर्षि व्यास की बात सत्य भी हो जाए तो क्या वो हस्तिनापुर में सुरक्षित रह पाएंगे? आपका प्रश्न सही है तात, परंतु अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करना होगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन देना होगा। उनकी शक्ति का उद्घोष ही महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भयभीत कर सकता है। आपकी बातों से तो लग रहा है वासुदेव, जैसे आप निश्चित है कि पांडव सुरक्षित हैं और वे हस्तिनापुर आने वाले हैं। हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर ये बात समझ में नहीं आई कि वेद व्यास ने ये क्यों कहा कि वो समय आने पर पांडवों को प्रकट कर सकते हैं। खैर, अभी तो सारी मुश्किल कुंती की थी, क्योंकि हिडिंबा के भाग्य का फैसला उन्हें ही करना था। क्या हम हिडिंबा के साथ हस्तिनापुर लौट चलें? यह असंभव है माता, हमारे हस्तिनापुर लौटने का अर्थ है विद्रोह। जिन कौरवों ने हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है उन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।
तो ठीक है, चाहे हम जहां भी रहें, हिडिंबा हमारे साथ रहेगी। तुम्हें इसके संबंध में अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है भीम। मैं वचन देती हूँ माता कि मैं जैसे सुख में साथ रहूंगी वैसे दुख में भी रहूंगी। ये लीजिए माँ, अब तो हिडिंबा ने वचन भी दे दिया। माँ अब तो भैया का विवाह कर ही दीजिए। और भैया भीम, मनुष्यों में ऐसी शक्ति और सौंदर्य का संयोग आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। यहाँ वन में विवाह का भोज नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम में कुछ बुद्धि है या नहीं? बड़ा भाई अविवाहित हो तो अनुज विवाह कर भी कैसे सकता है? विवाह ही करना है तो बड़े भैया से करवाए थे। मेरे प्रेम का अपमान ना करे स्वामी, मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। मेरा प्रेम आप है, मैं या तो आपकी बनूंगी या मृत्यु के गले लग जाऊंगी। सुना तुम सबने, ये राक्षस कुल की कन्या है पर इसमें भी प्रेम, समर्पण और आत्मसम्मान सब कुछ है। अरे ये तुम किस मुंह में पड़ गई माता, हिडिंबा की बातों में आकर अन्न जल भी भूल गई। हाँ माँ, आपको तो प्यास लगी थी। हिडिंबा का भाई मारा गया है, उसका इस संसार में कोई नहीं बचा। ऐसे में मैं भूख प्यास के बारे में कैसे सोच सकती हूँ पुत्र? पर यदि भीम इससे विवाह भी कर ले तो इसे रखेगा कहाँ? तुम ही बताओ युधिष्ठिर, क्या करना चाहिए? धर्म के अनुसार हम इसे असहाय नहीं छोड़ सकते। मैं भी यही कह रही हूँ, मैं मानवता की बात कर रही हूँ। पर कहीं हिडिंबा राजकुल की बहू बनने के लालच में। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैंने जिसे अपना पति माना है वो कोई राजकुंवर है। मैं तो बस कुमार भीम से उनके जैसे एक पुत्र की कामना करती हूँ जो मेरे जीने का बहाना बन जाए। तो ठीक है, भीमसेन तुम्हारे साथ 2 वर्षों तक रहेगा, तब तक तुम इसके बच्चे की माता भी बन जाओगी। और तुम्हें अपने पुत्र को युद्ध कला के साथ मानवीय संस्कार देने होंगे, उसे भरत वंश के योग्य बनाना होगा। पुत्री तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें ये स्वीकार नहीं? भीम भी तो चुप है माता, क्या पुत्र का जन्म और उसका पालन पोषण सब मैं अकेले ही करूंगी? अरे अरे, राज मुकुट का अपमान, ये क्या कर रहे हो भांजे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो राज मुकुट जो मेरा होकर भी कभी मेरा नहीं है। अब दुर्योधन बेचैन था कि जब पांडव मर ही गए हैं तो उसे युवराज बनाने में देर क्यों हो रही है भैया? पांडवों के लिए आंसू की नदियां बहा देने के बाद भी राज मुकुट उसे मुंह चिढ़ा रहा है। पर बाकी सब लोगों के हिसाब से इस शोक के माहौल में दुर्योधन का अभिषेक करना ठीक नहीं था। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं तब हम दुर्योधन हो जाते हैं, और जब खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता करते हैं तब कृष्ण। पता नहीं कृष्ण को कैसे सच का आभास हो गया, पर वो सिर्फ ये देखने हस्तिनापुर पहुंचे कि किसके मन में क्या चल रहा है। सुनते रहिए महाभारत।